नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। दीपावली वाले दिन हमें ऐसे कौन से काम है जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिसे करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि दीपावली त्योहार माता लक्ष्मी को घर में बुलाने का त्योहार है। हम चाहते हैं कि उस दिन पूजा करके माता को साल भर तक अपने घर में स्थिर रूप से स्थापित कर सके, साल भर तक वो हमारे ऊपर धन की वर्षा करें, क्योंकि हर कोई यही सोचकर दीपावली त्योहार मनाता है। तो ऐसे कौन से काम है जो हमें गलती से भी नहीं करने चाहिए। बहुत लोग दीपावली वाले दिन जुआ खेलते हैं, शायद जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत लोग हों जो जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना उनके लिए शायद प्रचलन हो, लेकिन दीपावली वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। चलिए अगर आप खेलते हैं, आप शुरू से खेलते आ रहे हैं, लेकिन साथ में लोग शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। दीपावली वाले दिन गलती से भी शराब का सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है, साल भर तक आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दीपावली वाले दिन शराब का सेवन ना करें। दीपावली वाले दिन किसी से झगड़ा ना करें, घर में कलेश ना करें। आपको कितना भी क्यों ना गुस्सा है, बच्चे पे आ रहा है, पति पत्नी एक दूसरे पे गुस्सा, अगर गुस्सा आ रहा है पति पत्नी को एक दूसरे पे, तो भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। किसी बाहर वाले बंदे पे आ रहा है, बाहर जा लड़ाई झगड़े से उस दिन बचें। अपने वाणी पे कंट्रोल नियंत्रण करके रखें, किसी से भी आपका वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में कलेश ना हो, क्योंकि जहां पे कलेश होता है, जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां से माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो दीपावली वाले दिन गलती से भी घर का माहौल गंदा ना करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि देर से उठने की, सुबह आराम से उठ रहे हैं कि, और वो उनकी उनके रूटीन में ये चला आता है, वो आराम से सो के उठते। कम से कम दीपावली वाले दिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठें, सुबह की पूजा करें, सूर्य देव को जल दें। अगर आप दीपावली वाले दिन दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप देखिएगा आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, माता लक्ष्मी आप पर खुश होंगी। तो गलती से भी उस दिन आराम से ना उठें, टाइम से उठ के घर में घर की साफ सफाई करें और घर में अपने दीपदान सुबह भी मंदिर में करें। उस दिन घर को जितना आप सजा सकते हैं उतना सजाइए, जितना फूलों से सजाना है फूलों से सजाइए, आपको रंगोली बनानी है रंगोली बनाइए। घर में कहीं भी उस दिन गंदगी ना फैलाएं, कोना कोना साफ करें, कोना कोना अच्छे से सजाएं, कोने कोने को अच्छे से धूप बत्ती वगैरह से, मतलब सुगंधित पूरे घर को बनाकर रखें। बहुत लोग होते हैं शाम के टाइम सोने की आदत होती है, और कुछ लोग तो दीपावली वाले दिन भी शाम के टाइम, जैसे लेडीज तो नहीं ऐसा करती, लेकिन जेंट्स लोगों की बहुत गंदी आदत होती है कि उन्हें लेटते ही नींद आ जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि कम से कम दीपावली वाले दिन ऐसा ना करें, शाम के टाइम ना सोए, क्योंकि वही टाइम होता है माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने का। तो उस दिन बहुत धूमधाम से त्योहार मनाएं, बहुत खुशहाल माहौल अपना घर का बना के रखें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जय माता दी।